हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल इंग्लिश स्कूल। आई एम योर कंप्यूटर टीचर, यू नो वेरी वेल। यस सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? या आई नो यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू हैव अ लॉट्स ऑफ एंजॉय विद योर पेरेंट्स एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो क्लासेस एट लिटिल इंग्लिश स्कूल एट होम। Make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class. So student, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay students, I hope you all are ready. Yes, so let's get start with your चैप्टर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर थर्ड एंड योर चैप्टर थर्ड नेम इज पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर डे वन ऑफ योर चैप्टर थर्ड, दैट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इन विच थ्री टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट इज मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ओके। सेकेंड वन इज other parts of a computer and last one is starting of a computer. So let's know about the main parts of a computer, this one, okay. So let's move over the main parts of a computer. Before we discussing these main parts of a computer, let's talk about what is the part, or let's talk about some example where the parts can be performed the different functions, okay. First example in our life, that is the plant example, okay. A plant has different parts and different levels, and these parts are stems, roots, flowers and leaves, okay. Is ye aap ek plant dekh rahe hain in this picture, this is the plant, and in this plant some parts are there, कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक रूट्स, लीफ, फ्लावर, ओके, एंड बर्ड, ओके, दीज वन द बर्ड, ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ओके। तो दीज पार्ट ऑफ ए प्लांट हेल्प इट टू फंक्शनल प्रॉपरली। सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट, ओके। नाउ द अदर एग्जाम्पल इज आवर बॉडी पार्ट, ओके। इन आवर बॉडी दे हैव इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, ओके। वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू द डिफरेंट एक्टिविटीज, ओके। दैट हेल्प अस टू द डिफरेंट एक्टिविटीज, दे मेक आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। सिमिलरली ए कंप्यूटर हैज डिफरेंट पार्ट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, get it? So let's talk about these parts of a computer, okay. So there are basically lots of parts in a computer, but the main parts of a computer has been covered in this video, okay. A computer has main four parts. These parts are connected to each other by वायर्स और केबल्स। कंप्यूटर जो हैं आपके, वो फोर पार्ट्स रखते हैं और ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वायर से, वायर के थ्रू, ठीक है, और केबल्स के थ्रू। दीज पार्ट टुगेदर मेक ए कंप्यूटर वर्क। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज पार्ट। सो स्टूडेंट, दीज आर द फोर मेन पार्ट, वी टॉक अबाउट द मेन पार्ट्स, ओके। दीज आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर, so let's learn about them, okay. So first part is, that is the monitor. Have you seen this monitor, picture of monitor? Yes, first part hai aapka monitor. Second part is CPU, third part is keyboard, and last part is mouse, okay. These are four main parts of your computer, okay. So let's talk about these part in detail, okay. So these are the main parts of a computer, okay. The four parts are is monitor,
हैव यू सीन दिस पिक्चर ऑफ मॉनिटर स्टूडेंट, दिस वन, इट इज लुक लाइक एज ए टेलीविजन. ओके, तो मॉनिटर आपका किसकी तरह दिखता है? टेलीविजन्स की तरह. टेलीविजन स्क्रीन जो होती है वो आपकी मॉनिटर की तरह होती है. तो हम कह सकते हैं एक मॉनिटर लुक लाइक एज ए टेलीविजन स्क्रीन. ओके, ए मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन, वी कैन से दैट. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. हम इसको VDU भी बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट डिस्प्ले द वर्क डन बाय अस ऑन ए कंप्यूटर. वो ये मॉनिटर जो है आपका, वो आपके उस काम को डिस्प्ले करता है, दिखाता है जो आपने अपने कंप्यूटर पर किया है. हमारे द्वारा कंप्यूटर पर काम किया होता है वो स्क्रीन पर शो होता है, वो मॉनिटर करता है. ओके, इट ऑल्सो डिस्प्ले पिक्चर्स, कार्टून्स, मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम. यू जस्ट कैन यू वॉच द मूवीज एंड कैन यू वॉच द सम वीडियोज इन योर कंप्यूटर स्क्रीन? यस, आई नो. सो यू कैन वॉच द स्क्रीन कार्टून, यू कैन वॉच द मूवीज विद द हेल्प ऑफ दीज मॉनिटर्स, बिकॉज इट इज लुक लाइक एज ए टेलीविजन स्क्रीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कीबोर्ड. Have you seen this picture of keyboard, students? This one. This is the keyboard in which one wire are there. Okay. So this is the picture of keyboard in which number of keys are, number of buttons are there. Okay. So these buttons are called the keys. Okay. आपको दिख रही है ये picture? इस pictures में कुछ buttons show हो रहे हैं. इन buttons पर कुछ लिखा हुआ है, like alphabet, numbers. Okay. तो ये हमारी जो बटन्स होते हैं उनको हम कीबोर्ड के अंदर कीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कीज. सो लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड इन डिटेल. ए कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कीबोर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे बटन्स रखते हैं अपने पास, और इन उनको हम क्या बोलते हैं? कीज. हैव यू सीन दिस कीज इन की द कीबोर्ड? दिस वन, दीज आर द कीज. ओके, these all are the keys. Okay, it is used to type number, words, characters, letter and other symbol on a computer. जो हमारे keyboards होते हैं वो किस लिए use किए जाते हैं? Number को type करने के लिए, word को type करने के लिए, character को type करने के लिए, letter को, और जो भी other symbols keyboards के अंदर दिए हुए हैं जो हमें use करने, like brackets, कॉमर्स, प्लस साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन, दीज आर रिटन बाय द कीबोर्ड्स. ओके, सो स्टूडेंट्स एवरीथिंग डैट वी टाइप ऑन द कीबोर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. सो वी कैन से दैट जो भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है. ठीक है, वी ऑल्सो कैन ऑल्सो गिव द कमांड टू द कंप्यूटर बाई प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड्स. Okay, so the pressing of keys on a keyboard to write on a computer is called the typing. Got it? So this is the more and this is the keyboard about the keyboard. Now next is mouse. Okay, next is mouse. Have you seen these two pictures, students? Have you seen? Like first picture shows the real mouse and second picture shows the कंप्यूटर माउस. जो पहली पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर, वो आपकी रियल माउस शो कर रही है, एंड जो सेकंड पिक्चर है वो कंप्यूटर माउस शो कर रही है. तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? दे आर टू सिमिलरिटीज बोथ पिक्चर्स. फर्स्ट सिमिलरिटीज इज रियल माउस हैज टू ईयर्स. ओके, एंड द कंप्यूटर माउस हैज द टू बटन. यस और नो? यस, लेफ्ट एंड राइट बटन. ठीक है, and second one, real mouse has one tail and computer mouse has one cable which is connected to the CPU. This is the difference. But jo computer mouse hai, it is not behave like as a real mouse. Okay, behave nahi karta real mouse ki tarah, real mouse ki tarah work nahi karta, sirf dikhne mein similar hote hain. Okay, so let's more about the mouse. तो ए माउस एक्ट एज ए पॉइंटिंग डिवाइस. हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं. इट इज़ अटैच्ड टू ए कंप्यूटर बाय केबल.
आई ऑलरेडी टोल्ड यू रियल माउस जो कंप्यूटर माउस हैज़ ए वन केबल विच इज़ कनेक्टेड टू द सीपीयू. सो माउस इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बाय ए केबल. इट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड पिक कलर पिक्चर्स, पॉइंट एट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड स्क्रॉल अप एंड डाउन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. ये हमारे लिए ना बहुत सारे कामों के लिए हेल्प करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स इसके थ्रू हमारे पास क्या क्या होता है. हम वी कैन ड्रॉ द पिक्चर्स, हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस. ओके, वी कैन कलर द पिक्चर्स. ओके, वी कैन पॉइंट एट एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. ओके, पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. वी कैन स्क्रॉल अप एंड डाउन ऑन स्क्रीन. हम स्क्रीन को माउस की हेल्प से स्क्रॉल अप कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन को अप कर सकते हैं, स्क्रीन को डाउन कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर माउस. ओके, वी कीप ए माउस ऑन ए माउस पैड. हम माउस को हमेशा माउस पैड पर रखते हैं सो डैट इट वर्क स्मूथली, कि अपना इसके ये अपना काम स्मूथली कर सके. ओके, वी कीप ए माउस ऑन ए माउस पैड सो डैट इट वर्क स्मूथली. ओके, ए माउस हेल्प टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन विद ए पॉइंटर. गेट इट माई पॉइंट? नाउ इट हैज टू और मोर बटन्स. जनरली ए माउस हैज टू बटन, बट इन द रीसेंट माउस इट ऑल्सो हैज टू और मोर बटन्स. ठीक है, इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंप्यूटर माउस. नाउ नेक्स्ट इज सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. वी कैन से दैट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. व्हाई? बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द सीपीयू. ओके, सो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर एंड ऑल वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द सीपीयू. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. ये हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. इट कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक इन कीबोर्ड्स, माउस. तो इट कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड परफॉर्म मोस्ट ऑफ द वर्क. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ऑल अदर पार्ट दैट मीन्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस लाइक योर कीबोर्ड, लाइक द मॉनिटर्स एंड ऑल दैट. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, इट्स टाइम टू होमवर्क. रीड एंड लर्न अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू. ओके, सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच. दिस इज फॉर यू स्माइली. तो कीप स्माइल. ओके, एंड स्टे होम, स्टे सेफ. स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ. ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे. Bye-bye.